किसान थोड़ा डरा पीछे। तारीख है तो तारीख पे तो भाई बिना मुकदमे की तारीख है, जा रहा किसान, जाता रहेगा। ये जनता को बता दिया कि कोई हठधर्मिता किसान की तरफ से नहीं है, हठधर्मिता गवर्नमेंट की तरफ से है। ऐसे बिल अपने आप ही संशोधन कह रहे कि संशोधन भी कर देंगे, ऐसे बिल जिसको किसान पसंद नहीं कर रहा, नौ संशोधित मतलब जिसमें शुरुआत में कीड़े पड़ गए हों, उस बिल को वापसी कर लो, बढ़िया बिल बना लो, मजबूत बिल बना लो, सशक्त बिल बना लो, राष्ट्र हित का ध्यान में रखते हुए बना लो, बैठ कर बना लो, ये कानून रद्द करें, उसके बाद किसान हटेगा। फिर किसान नहीं, पूरे मामले को कोर्ट की तरफ ले जा रही है, कोई नहीं, हम नहीं जा रहे कोर्ट में, सड़क पे हैं, जो कुछ होगा। पक्षकार तो जाना तो पड़ेगा। नहीं नहीं, क्यों, हम कहाँ है पक्षकार, हमारे तो कोई नोटिस वगैरह तो कुछ आया नहीं, ना कहीं वो है। सरकार कह रही है कोर्ट में चले जाओ, क्यों चले जाओ, बिल सरकार लाओगे और हम कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट में जाओ। कानून का विश्लेषण करने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट को है। नहीं, कहीं ये क्यों करना चाह रही, क्यों करना चाह रही, क्या जब बिल क्यों ले आए, ऐसे बिल जिसमें जो है किसान को गर्त में तारने का बिल है, बर्बाद करने के बिल हैं, देश की जनता को खत्म करने वाले बिल हैं। एक साल के अंदर अंदर देखो 150 के रुपए किलो आटा बिकेगा। कहाँ फंसेगा, नहीं फंसेगा किसान, कहीं नहीं फंसने का। सर्वोच्च अदालत है, सम्मान कर रहे, लेकिन ऐसा थोड़ा ही है कि भाई वो करेंगे। किसान अगर आ गया तो मर के वापसी जाएगा, नहीं जाएगा। सर, पर इन मीटिंगों से भी क्या फायदा होने वाला है, जिन चीजों को लेकर जनता देश को बता दिया कि किसान में कोई कमी नहीं है, ये कह रहे थे ना हठधर्मिता कर रहे, इन पर जितने अटकंधे थे कर दिए पूरे इन्होंने। जब शुरुआत में एक प्रांत का आंदोलन, एक कम्युनिटी का आंदोलन, एक खालिस्तानियों का, चीन द फंडिंग, पाकिस्तान द फंडिंग, पता नहीं कहाँ कहाँ था फंडिंग, सारे काम कर दिए उन्होंने। फिर भी जो है मरना तो किसान ही है इन्होंने भी, कि किसान है, और वही किसान है 2014-19 में वोट दिया था जिसने। खट्टर सरकार ने फिर से छोड़े हैं जहां पर किसानों के, वो भी करेंगे, उनका भी जो है इन्होंने ज़्यादा कर रखा, सड़क भी खोद रखी, सड़क भी खोद कर रोक रखे हुए लोग, ये सारी चीज़ें हैं। और ये गवर्नमेंट को नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष का आंदोलन कह रहे हैं, विपक्ष को तो हमने जमींदोज करके जब ही तो लाए थे इनको, विपक्ष को हटा के तो लाए थे। 2014 का वो नारा बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार मोदी सरकार तो हमें तो लेकर आए थे। लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि लगातार किसानों का समर्थन भी मिल रहा है हमें कानून के लिए। वे कौन से संगठन है, 10 दिन पहले जो उनके रजिस्ट्रेशन हुए, वे संगठन जाँच उनकी भी होगी। कभी कोई आंदोलन जिन्होंने कोई आंदोलन नहीं करा किसान संगठन ने, उनकी भी जांच होगी। ये सरकारी संगठन जो है, जो 10-10 दिन पहले रजिस्ट्रेशन हुए ना जिनके, इन्हें इतिहास याद रखेगा। सर, आप जांच की बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि हमारे पास 40 लोगों की लिस्ट है, हुकूमत खुलवाइए हमसे। कौन से है, क्या कमी इन संगठनों में, जो है खोल दो, इससे फालतू और क्या हो सके। चारों तरफ को किसान बैठा, 8 करोड़ रुपए किसान है, अगर अब भी खोल दो ना, मुंह खोलना चाहिए। कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हैं, क्या? अरे वो कोई बात वैसा थी कि भाई हंसी मजाक वाला कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, और करो ना, जांच करनी चाहिए। हर जगह सीरियस मुद्दे पे है, जहां इतने किसानों की शहादत जा चुकी है, ये हंसी मजाक का मौका है? अरे भाई बात चल रही थी, वो तो किसी ने रिकॉर्ड कर ली, और वो करो ना, अगर जांच में कहीं 40 भाई संगठनों की लिस्ट है तो वो जग जाहिर करो, फर्जी है। अगर 35 साल में भारतीय किसान यूनियन 200 किसानों की शहादत देखे, देश का बड़ा किसान संगठन है, आंदोलन करता है, आंदोलन से बात मनवाते हैं, अगर वे फर्जी हैं या गलत हैं तो उनकी जांच करो। सीएम योगी का कहना है कि आप लोगों को प्रगति रास नहीं आ रही है। कौन सी प्रगति है जी, वो विकास हो रहा है, ये कौन सा विकास है, मतलब भंडारण की ऐसी सीमित सीमा, MSP की कोई गारंटी नहीं, बड़े बड़े स्टेलो कानून आने से पहले बढ़ने, बड़े बड़े वेयर हाउस बढ़ने, ये प्रगति है? ये पूंजीपतियों के लिए प्रगति होगी, किसान के लिए नहीं। फंस गया कैसे, दे दो ना MSP की गारंटी, आप MSP की गारंटी दवा दो, MSP गारंटी दवा दो, MSP पर गारंटेड एक वो दे दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य। MSP पे बोल तो रहे हैं कि हम लिख कर देंगे। अरे भाई वे लिख के दे रहे कि हम जो है भाई MSP जारी रहेगी, हम ये कह रहे हैं कि MSP जारी तो रहेगी, बढ़िया है, रहनी चाहिए, रहेगी। आप MSP पे गारंटेड कानून क्यों नहीं बना रहे, देश का दुर्भाग्य 6-7% ही MSP पे खरीद होती हो। पर आप जैसे आपने अनाउंस भी कर दिया कि आप परेड में शामिल होंगे 26 जनवरी को, दिल्ली के नजदीक हैं, ठीक है, दिल्ली के नजदीक आए हुए,
आपकी इस सौभाग्य है तो किसान का पर लग नहीं रहा कोई असर, उससे पहले कुछ निर्णय नहीं, हम क्या चाह रहे जी, हम तो नहीं चाह रहे नहीं काट लेगी, तो भाई देश का नागरिक है, झंडा लगा के जाएगा, बड़ा झंडा लगा के चलेंगे, तिरंगा। तो आपको पहले भी कब रोका है आप इस बार? अरे इतने नजदीक आके भाई खेत से फुर्सत नहीं मिल रही थी किसान को, अब की बार फुर्सत है वो बात भी अपना। 15 तारीख को मीटिंग होने, उसमें जाओगे आप लोग? नहीं बिल्कुल जाना चाहिए, जो जो अपने जो संयुक्त मोर्चा निकलता है जो भी होगा भाई, संयुक्त रूप से 40 संगठनों का एक सामंजस्य बैठा हुआ, उसी जो भी वो तय करेंगे, बड़े बड़े ये तर्क दे देंगे तार्किक रूप से, ये कह रहे थे ना जब तो कि कानून बहुत अच्छे हैं, तर्क दे देंगे तो कहने लगे कि संशोधन कर देंगे, नौ में कर देंगे, फिर 12 में कर देंगे। अरे संशोधन क्यों करें जिसमें शुरुआत में कीड़े पड़ गए हों? सरकार जिद पे क्यों, आखिर वजह क्या है? तो सरकारी बताओगे। राजनाथ सिंह कह रहे कि मैं भी तो किसान का बेटा हूँ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कानून बहुत लाभदायक होंगे। तो ये किसानों ने नहीं पढ़ा? सब पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं अब, या किसान अपने बच्चों को सब पता है? अरे भाई उनके कहने का क्या, कोई नहीं जो है कहने दो, ये सब जान गया किसान, सब जानता है, इनको हर चीज पे तर्क पे मेज पे टेबल पे बैठ के जब तो संशोधन की बात कर रहे हैं। अभी हमें नहीं चाहिए संशोधन वाले बिल, हमें एमएसपी गारंटी का कड़ा कानून नहीं, कहाँ थक रहे आप तो देख रहे होंगे, कहीं नहीं थकने के, मजबूत नहीं किसान। अच्छा 50% कह रहे, 50% मान ली, जो दूसरे पहले और दूसरे वाला बिल है उसे कर लो पहले, फिर हम 50 मान लेंगे, तीसरे चौथे को भी मान रहे। अगर हम क्या मना कर रहे, पहले दोनों वट भी लटा लो, एक ताली हम भी बजा देंगे। खुश होकर आए थे जब दो मान ली थी मांगे, तो क्या ये भी मान लेंगे? अब कह रहे हैं कि पहले वो, तो अभी जब भी विरोध भाई 50% नहीं है, 50% पहला दूसरा तीसरा चौथा बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जब उन्होंने तीसरे चौथे पहले, अरे जोन से बिल आई नहीं, इलेक्ट्रिक वाला बिल कहाँ आया था? हाँ तो कहाँ जो है 50% की बात कर रहे हैं, अरे लिखित में तो कुछ आया ही नहीं उसका, ऑन रोड तो कुछ भी नहीं है भाई। तो सर जिस तरह से सरकार ने मना किया है कि हम कानून वापस नहीं करेंगे, उसके बाद आपके इरादे कैसे हैं? हम कहीं जा नहीं रहे भाई, यही है, डटे रहेंगे, सब आगे महिला बच्चे सब, और सब भाई देखो सादत के दोषी सरकार, और सरकार से जवाब मांगेंगे कोई नहीं, कोई नहीं, सब जो है सब जान, सब अपने आप अपने डॉक्टरी वाली टीम सब लगा रखी, किसान सब कर लगा, ना करने दो ना कुछ, वो तो कोई मतलब ही नहीं किसी, कोई नहीं, आ जाग रहे अहंकार, आ जाग रहे भाई, आ जाग रहे, आ जाग रहे सब चीजें, भाई पूर्ण बहुमत की सरकार है, 7 साल हो लिए अभी, तो जो है बहु मोदी मोदी जी में ही तो रहे, हम इधर लोग ही तो कर रहे थे मोदी मोदी, क्या है 15 को उम्मीद तो सब है ही भाई, उम्मीद तो सब है।